आप देख रहे हैं जनसंदेश टाइम्स और मैं वंशिका। भारतीय वायुसेना भारतीय सुरक्षा प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। भारतीय वायुसेना देश में हुए स्वतंत्रता संग्राम के दौरान स्थापित की गई थी और वर्तमान में यह एक शक्तिशाली और तकनीकी दृष्टि से प्रगतिशील वायुसेना है। भारतीय वायुसेना ने कई युद्धों में अपनी प्रगतिशीलता और सामर्थ्य का प्रदर्शन किया था, जैसे कि 1965, 1971 और कारगिल युद्ध में। भारतीय वायुसेना के पास परमाणु शक्ति के साथ युद्ध विमान भी है, जो देश की आकाशीय सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारतीय वायुसेना की उपलब्धियों को याद करने और सैनिकों के साहस को नमन करने के लिए हर साल वायुसेना दिवस की वर्षगांठ मनाई जाती है। आज देश भर में वायुसेना दिवस मनाया जा रहा है। हर साल 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। आज प्रयागराज के संगम क्षेत्र में, जहां देश की सुरक्षा में लगे लड़ाकू विमान अपने शौर्य को दिखा रहे हैं, आइए आयोजन में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान के साथ वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी ने शिरकत की है। आज वायुसेना ने नए ध्वज का भी अनावरण हुआ है। वायुसेना की 91वीं वर्षगांठ में एक और नया अध्याय जोड़ना जा रहा है। 8 अक्टूबर को वायुसेना का झंडा बदला गया है। ये बदलाव 72 साल बाद किया जा रहा है। वायुसेना अध्यक्ष चीफ ऑफ एयर बी आर चौधरी परेड के दौरान झंडा बदलने के साथ वायु योद्धाओं को शपथ दिलाएंगे। नया ध्वज भारतीय वायुसेना के मूल्यों को बेहतर ढंग से प्रकट करेगा। नए ध्वज में शीर्ष पर राष्ट्रीय प्रतीक अशोक की लाट पर सिंह अंकित है और नीचे देवनागरी में स्वत में जैते शब्द हैं। सिंह के नीचे हिमालय ईल है, जिसके पंख फैले हुए हैं, जो भारतीय वायुसेना के युद्ध को गुणों में दर्शाता है। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। ऐसी और तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे जनसंदेश टाइम।